नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। कोरोना का कहर एक बार फिर दुनिया को डराने लगा है। चीन, अमेरिका, जापान से लेकर दक्षिण कोरिया तक सिर्फ और सिर्फ महामारी से जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में जब दुनिया में हाहाकार मचा है तो भारत कितना तैयार है, ये जानने के लिए न्यूज 24 टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहीं से जानने की कोशिश की कि जमीनी हकीकत क्या है। अगर हिंदुस्तान में भी कोरोना बम फटता है तो हमारा हेल्थ सिस्टम कितना तैयार है, जिसे जानने के लिए ग्राउंड जीरो से देखिए ये कोरोना बुलेटिन। BF.7 से हाहाकार, हिंदुस्तान कितना तैयार। कोरोना पर आया अलर्ट, लोग कितने हुए सतर्क। महामारी पर रियलिटी टेस्ट, कौन हुआ पास, कौन फेल। फिर से खरीद लीजिए सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना फिर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से पूरी दुनिया में आतंक मचा रहा है। क्या चीन, क्या अमेरिका, क्या ब्राजील, कोरोना का नया दैत्यकारी वेरिएंट BF.7 तेजी से फैल रहा है और लोगों की जिंदगी लील रहा है। ऐसे में दुनिया में तेजी से फैलते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। लेकिन असल में क्या है हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर तैयारी और कितना हम इस जंग के लिए तैयार है, इसको लेकर न्यूज 24 की टीम ने देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना को लेकर रियलिटी टेस्ट किया। हमारी टीम मुंबई, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में पहुंची, ये समझने के लिए कि क्या लोगों ने दूसरी लहर के कहर से सबक लिया है, क्या उन्हें ये तस्वीरें याद हैं। ऐसे में सबसे पहले न्यूज 24 की टीम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अस्पतालों में पहुंची, ये जानने के लिए कि कोरोना की नई लहर के लिए मुंबई शहर कितना तैयार है। कोविड के नए वेरिएंट BF.7 ने चाइना में कहर बरपा दिया है। इसके बाद भारत में क्या सरकार, क्या प्रशासन, सभी सतर्क हो चुके हैं। कितने तैयार हैं हम, अगर ये वेरिएंट भारत पहुंचता है तो इससे लड़ने के लिए क्या तैयारी यहाँ पर सरकार और प्रशासन की है, ये आज हम आपको वहां पर बताने वाले हैं। देखिए, इस समय हम थाने के इस कोविड हॉस्पिटल में मौजूद है। जब कोविड की दूसरी लहर की जब शुरुआत हुई थी तब इस अस्पताल का निर्माण यहाँ पर किया गया था। ये पार्किंग प्लाजा की बिल्डिंग थी, अब इसमें हॉस्पिटल बनाया गया था। अब फिलहाल यहाँ पर कोविड के मरीज तो नहीं है, लेकिन अस्पताल कितना तैयार है अब इस नए खतरे से निपटने के लिए, आइए हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे संवाददाता विनोद जगदाले मुंबई के पार्किंग प्लाजा कोविड अस्पताल पहुंचे। ये वो अस्पताल है जिसका निर्माण BMC ने दूसरी लहर के दौरान किया था। कोरोना के दूसरी लहर के दौरान हम सभी ने देखा था कि सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मुंबई से ही निकलकर सामने आए थे। ऐसे में ये जानना जरूरी था कि इस बार आमची मुंबई कोरोना को जवाब देने के लिए कितनी तैयार है और यहाँ क्या व्यवस्था है। हमारी टीम अस्पताल के अंदर दाखिल हो चुकी थी। थाने शहर का ये पार्किंग प्लाजा कोविड हॉस्पिटल है
जब कोविड की दूसरी लहर आई थी तब इस अस्पताल का निर्माण किया गया था। देखिए आज भी पूरी तरीके से इस अस्पताल की तैयारी पूरी है। देख सकते हैं कि फिलहाल इस हॉस्पिटल में ये 1200 बेड का हॉस्पिटल है, फिलहाल एक भी कोविड का मरीज यहाँ पर नहीं है, लेकिन सारी तैयारी यहाँ पर यह देखिए स्टाफ पूरा करता नजर आ रहा है। नॉर्मल बेड हो, ऑक्सीजन बेड हो या फिर वेंटिलेटर बेड हो, सारे बेड यहाँ पर तैयार है और पूरी तरीके से ये देख सकते हैं कितना बड़ा ये यूनिट है, ये यूनिट 3 है। ऐसे कुल 8 यूनिट इस अस्पताल में यहाँ पर बनाए गए हैं जो पूरी तरीके से मरीजों की सेवा के लिए यहाँ पर तैयार है। इसके अलावा 50 जो बेड है वो छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर तैयार किए गए हैं। देखिए कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन से और राज्य सरकार के सूचना से ठाणे महानगर पालिका के हमारे पार्किंग प्लाजा कोविड हॉस्पिटल की तैयारी, जैसे कि आपने पहले ही बताया कि दूसरी लाट में ये हॉस्पिटल तैयार किया गया था, मगर आज भी वैसी ही तैयारी हम लोगों ने करके रखी है कि हमारे पास अभी 250 बेड आईसीयू है जहाँ पे वेंटिलेटर है पूरे, उसमें से 50 बेड आईसीयू पीआईसीयू हमने स्टार्ट किया है पेडियाट्रिक, यानी बच्चों को कोई बीमारी, बच्चों को कोई तकलीफ होती है इस दौरान तो हम उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर रहे और बाकी 900 बेड हमने ऑक्सीजन के वार्ड में जो ऑक्सीजन है तो वहाँ पे भी हम लोग प्रिपेयर रहे। तो इस संध्यान से हम लोगों ने पूरी तैयारी अभी करके रखी है। पार्किंग प्लाजा अस्पताल में कोरोना को लेकर तैयारियां पुख्ता देखने को मिली। ऐसे में राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन ने साफ किया कि इस बार मुंबई कोरोना के जंग को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हमने दखल देके देखा है कि चाइना में जो केसेस बढ़ रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो नए वेरियंट है BA.7 की वजह से। हमारा जीनोमिक स्टडीज चालू है, हमको भी पता पड़ जाएगा कि ये जो नया वेरियंट आया है इसकी वजह से कोई केसेस बढ़ रहे हैं। एज ऑफ नाउ थाने में कोई केसेस डिटेक्ट नहीं हुए हैं। पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थाने पूरे सतर्कता बरत रहे हैं और वी आर ऑन आवर टोज टू फेस दिस क्राइसिस एट एनी चैलेंज। दूसरी लहर में जिस चीज ने लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया था वो थी ऑक्सीजन की किल्लत। पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से ना जाने कितनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ऐसे में ये जानना भी जरूरी था कि क्या मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है या नहीं, ये जानने के लिए न्यूज 24 की टीम का अगला पड़ाव था सेवन हिल्स हॉस्पिटल।